पाप का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। हंस हंसनी की ज्ञान वर्धक बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही ज्ञान वर्धक है और प्रेरणादायक है। इस कहानी का टाइटल है कि पाप का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है, जिसमें आप जानेंगे हंस हंसनी की ज्ञान वर्धक बातें। कहानी बहुत ही शिक्षा प्रद है, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुने और समझें। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। उससे पहले आपसे चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर के आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मित्रों, अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है, एक सुंदर से सरोवर में हंस हंसनी का जोड़ा रहा करता था। भाई हंस हंसनी उस सरोवर में बहुत अच्छे तरीके से आनंदित थे, किसी बात का दुख और परेशानी नहीं थी। उनका समय बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, रात्रि का समय था। हंसनी ने अपने पति हंस से कहा कि पियाजी, मेरे मन में एक शंका है, उसका समाधान कैसे हो। हंस अपनी पत्नी हंसनी की बात को सुनकर के कहने लगा, भद्री, तुम्हारे मन में क्या शंका है, जरा हमें तो बताओ, हो सकता है हम ही तुम्हारी शंका का समाधान कर दें। अपने पति की बात को सुनकर के भाई हंसनी कहने लगी, पियाजी, हमारे मन में यह शंका है कि दुनिया के प्रत्येक प्राणी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए धन कमाते हैं, लेकिन कोई लोग पुण्य से कमाते हैं तो कोई लोग पाप से धन कमाते हैं। स्वामी, कोई लोग अच्छे कर्म करके धन कमाते हैं तो कोई लोग बुरे कर्म करके धन कमाते हैं। चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और धन को घर में लाते हैं, जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति पाप से, चोरी से, डकैती से धन कमाता है तो उसका फल क्या उसको स्वयं ही मिलता है, उस पाप का भागीदार क्या वह स्वयं ही होता है, या उसके परिवार वाले भी होते हैं, उसके बीवी बच्चे होते हैं, जो वह जिनके लिए धन कमाता है, चोरी डकैती करता है। इसी शंका का समाधान करवाना चाहती हूँ। दोस्तों, हंसनी की बात को सुनकर के भाई हंस कहने लगा, भद्रे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को आप पूरा सुनना और इस कहानी से ही आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, आपकी शंका समाधान हो जाएगी। सज्जनों, फिर वह हंस अपनी पत्नी हंसनी के लिए कहानी सुनाने लगा। हंस कहने लगा, भद्रे, प्राचीन काल में सुमित नामक एक भृगुवंशी ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी कौशिक वंश की कन्या थी। सुमित के एक पुत्र हुआ जिसका नाम अग्नि शर्मा रखा गया। वह पिता के बार बार कहने पर भी वेदाभ्यास में मन नहीं लगाता था। एक बार उसके देश में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय बहुत लोग दक्षिण दिशा में चले गए। विप्रवर सुमित भी अपने पुत्र और स्त्री के साथ विदिशा के वन में चले गए और वहां आश्रम बना करके रहने लगे। सज्जनों, वहां अग्नि शर्मा का लुटेरों से साथ हो गया, अतः जो भी उस मार्ग से आता उसे वह पाप आत्मा मारता और लूट लेता था। उसको अपने ब्राह्मणत्व की स्मृति नहीं रही, वेद का अध्ययन भी जाता रहा, गोत्र का भी उसे कोई ध्यान नहीं रह गया था और वेद शास्त्रों की सुध भी जाती रही। मित्रों, किसी समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग में उत्तम व्रत का पालन करने वाले सप्तऋषि उस मार्ग पर आए। अग्नि शर्मा ने उन्हें देख करके मारने की इच्छा से कहा, ठहर जाओ, ये सब वस्त्र उतार दो, छाता और जूता भी रख दो। भद्रे, उसकी ये बात सुनकर महर्षि अत्रि बोले, तुम्हारे हृदय में हमें पीड़ा देने का विचार कैसे उत्पन्न हो रहा है, हम तपस्वी हैं और तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तब अग्नि शर्मा ने कहा, मेरे माता पिता, पुत्र और पत्नी हैं, उन सबका पालन पोषण मैं ही करता हूँ, इसलिए मेरे हृदय में ये विचार प्रकट हुआ है। हंस कहने लगा, हंसनी, अत्रि बोले, तुम अपने पिता से जाकर के पूछो तो सही कि मैं आप लोगों के लिए पाप करता हूँ, ये पाप किसको लगेगा। यदि वे यह पाप करने की आज्ञा ना दें तब तुम व्यर्थ प्राणियों का वध ना करो। मित्रों, अग्नि शर्मा बोला, अब तक तो कभी मैंने उन लोगों से ऐसी बात नहीं पूछी थी, आज आप लोगों के कहने से मेरी समझ में ये बात आई है।
अब मैं उन सबसे जाकर पूछता हूँ, देखूं किसका कैसा भाव है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक आप लोग यहीं रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप हमें चकमा देकर के आप लोग यहाँ से भाग जाएं। तब सप्त ऋषियों ने वचन दिया कि जा बेटा, मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तुझको यहीं मिलूंगा। तू अपने घर पे परिवार से पूछ करके आ तो सही कि तेरे इस पाप की कमाई में भागीदार हैं या नहीं है, या तू ही भागीदार है। अग्नि शर्मा ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर अग्नि शर्मा तुरंत अपने पिता के समीप गया और बोला, पिताजी धर्म का नाश करने और जीवों को पीड़ा देने से बड़ा भारी पाप देखा जाता है और मुझे जीविका के लिए यही सब पाप करना पड़ता है, बताइए ये पाप किसको लगेगा। पिता और माता ने उत्तर दिया, तुम्हारे पाप से हम दोनों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम हमारे बेटा हो, अब कैसे क्या करते हो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम्हारे पाप से हम दोनों का कोई संबंध नहीं है। तुम करते हो अतः तुम जानो, जो कुछ तुमने किया है उसे फिर तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उनका ये वचन सुनकर अग्नि शर्मा ने फिर अपनी पत्नी से जाकर के बात की और पूछा, पत्नी ने भी उत्तर यही दिया, पाप से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अब तुम कहां से धन कमा करके लाते हो, कैसे लाते हो, चोरी से लाते हो, डकैती से लाते हो या अच्छे कर्मों से लाते हो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर रखता है। तुम्हारा धर्म है अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करना, उसका भरण पोषण करना, वो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पाप से मेरा कोई संबंध नहीं है, सब पाप तुम्हें ही लगेगा। फिर उसने अपने पुत्र से जाकर के पूछा, तब पुत्र कहने लगा, मैं तो अभी बालक हूं, मेरा आपके पाप से क्या संबंध है, अरे मैं तो आपका बच्चा हूं, आपका कर्तव्य है और धर्म है कि मेरा पालन पोषण करना, मेरी परवरिश करना, अब आप कैसे करते हैं तो आप जानिए, हमें आपके पापों से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों उनकी बातचीत और व्यवहार को ठीक ठीक समझ करके अग्नि शर्मा मन ही मन बोला, हाय मैं तो नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, अब ये तपस्वी महात्मा ही मुझे शरण देने वाले हैं। फिर तो उसने उस डंडे को दूर फेंक दिया जिससे कितने ही प्राणियों का उसने वध किया था और सिर के बाल बिखराए हुए वह तपस्वी महात्माओं के आगे जाकर के खड़ा हुआ। वहां उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला, तपोधनो मेरे माता पिता पत्नी और पुत्र कोई नहीं है, सबने मुझे त्याग दिया है, अतः मैं आप लोगों की शरण में आया हूं, अब उत्तम उपदेश देकर आप नरक से मेरा उद्धार करें। दोस्तों उसकी करुण वाणी को सुनकर के इस प्रकार कहने पर ऋषियों ने अत्रि जी से कहा, हे मुनि आपके कथन से ही इसको बोध प्राप्त हुआ है, अतः आप ही इसे अनुग्रहित करें, इसे शरण दें, ये आपका शिष्य हो जाए। तथास्तु। ये कहकर के अत्रि जी अग्नि शर्मा से बोले, तुम इस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान राम के सुंदर स्वरूप का स्मरण करो, ध्यान करो, इस ध्यान योग से और महामंत्र राम नाम के जप से तुम्हें परम सिद्धि की प्राप्ति होगी। हंस कहने लगा, हे हंसनी, ऐसा कहकर के वे सब ऋषि यथेष्ट स्थान को चले गए। अग्नि शर्मा 13 वर्षों तक मुनि के बताए अनुसार ध्यान योग में संलग्न रहा, वह अविचल भाव से बैठा ही रहा और उसके ऊपर बावी भी जमाई थी। 13 वर्षों के बाद जब वे सप्त ऋषि पुनः उसी मार्ग से लौटे तब उन्हें वाल्मीक में से उच्चरित होने वाली राम नाम की धुन सुनाई पड़ी, इससे उनको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने काठ की कीलों से वह बावी खोदकर अग्नि शर्मा को देखा और उसे उठाया। उठकर के उसने उन सभी श्रेष्ठ मुनियों को जो तपस्या के तेज से उद्भासित हो रहे थे प्रणाम किया और इस प्रकार कहने लगा कि हे मुनिवरु, आपके ही प्रसाद से आज मैंने शुभ ज्ञान प्राप्त किया है, मैं पाप पंक में डूब रहा था, आपने मुझ दीन का उद्धार कर दिया है। हंस बोला, हंसनी उसकी ये बात सुनकर परम धर्मात्मा सप्तऋषि बोले, हे वत्स तुम एक चित होकर दीर्घ काल तक वाल्मीक बावी में बैठे रहे हो, अतः इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम वाल्मीक होगा। यूं कहकर वे तपस्वी मुनि अपनी गतव्य दिशा की ओर चले गए। दोस्तों उनके चले जाने पर तपस्वी जनों में श्रेष्ठ वाल्मीक ने कुश स्थली में आकर महादेव जी की आराधना की और उनसे कवित्व शक्ति पाकर एक मनोरम काव्य की रचना की जिसे हम रामायण कहते हैं और जो छंदोबद्ध काव्यात्मक कथा साहित्य में सबसे प्रथम माना गया है। तो दोस्तों
यही बाल्मीक हुए थे। अग्नि शर्मा ही ये बाल्मीक हुए थे, इनका नाम बाल्मीक पड़ा था, जिन्होंने एक ऐसी रामायण लिखी जिस रामायण के लिए, जिस बाल्मीक रामायण के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मित्रों, फिर वे हंस कहने लगा हंसनी से, भद्रे अब तो तुम जान ही गई होगी, इस कहानी से तुम्हारी शंका समाधान हो ही गई होगी, अगर नहीं हुई है तो हमें फिर बताओ। अपने पति हंस की बात को सुनकर के वह हंसनी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, प्राणनाथ आपकी कहानी सुनने से हमारी शंका समाधान हो गई है, मेरे मन में जो ये सवाल था इसका सही सही जवाब आज मुझे मिल गया है। कहते हैं कि इंसान जो पाप करता है वो स्वयं ही भोगता है, दूसरा उसके पाप में कोई भागीदार नहीं होता है। अब उस पाप के कमाए हुए धन से अपने परिवार को खिलाए, अपने परिवार का पालन पोषण करे तो उसमें परिवार का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि उसका कर्तव्य होता है कि अपने परिवार बीवी बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी परवरिश करना, उनकी देखभाल करना, अपनी जिम्मेदारी को निभाना, इसमें परिवार का कोई दोष नहीं हुआ। दोष उसी का है, पापी वही है और भागीदार वही है जो स्वयं पाप करता है। यही कहानी हमको ये सीख देती है कि पाप का फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है। मित्रों, तो मित्रों यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, इस कहानी से आपको यदि कोई सीख मिली है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।